लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है, जिसने इंद्र को जीत कर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण। इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसका नामकरण मेघनाथ कर दिया। महासमर घनघोर बात गर्जा जब मेघनाथ, मायावी इंद्रजाल रावण का बेटा है भोकाल। इंद्रजाल से इंद्र हार के इंद्रजीत के दास, मेघनाथ को ज्ञान क्या थे वेद चार, सब एक साथ जब शेष नाग को नागपाश में फांस न लेने दी सांस। राम राज में साक्षात था वासकाल का रूप, वो सीधा विनाश। क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। कौन वीर है कौन धनुर्धर महासमर में आया, महाप्रलय अंबर में घनघोर मेघ सा छाया। बहुत है दुर्लभ बहुत सघन है योद्धा का परिचय बतलाना, पितृ भक्त दृढ़ संकल्पित है इसका क्या व्यक्तित्व बताना। महावीर वो महायोद्धा गर्जन करता रण क्षेत्र में आया, लंका की वो आन बचाने महायज्ञ ना कर पाया। फर्क नहीं कि कौन सही, जो भी होगा अच्छा होगा, मारकर या मरकर भी पितृ भक्ति में सच्चा होगा। बचपन में मेघ के जैसे थे रोने की आवाज, जिसकी बनी चिता थी जली पिताश्री सात आग में राख। जीत के होते हुए आप चाहे तो धिक्कार है, जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। एक महाबली एक पराक्रमी जो जीत चुका था इंद्र को भी, खुद ब्रह्मा ने आके धरती पर नाम दिया उसे इंद्रजीत। वो रावण से भी बलशाली पर बात का इसे अभिमान नहीं था, अजर अमर हर समर में सर ऊंचा रावण का फकर से। श्री राम स्वयं थे मूर्छित जब मेघनाथ के पाण चले, तब गरुड़ देव आए धरती पर फिर प्रभु जी के प्राण बचे। दो बार लखन भी घायल थे पर बचा गए, संकट मोचन हुआ यज्ञ भंग पर किया युद्ध, एक वीर पुरुष की शान बचे। क्यों मेघनाथ को भूल गए प्राण गवाए थे, जिसने वो शेष नाग को जान गए थे। हटे ना फिर भी लड़ने से, वो मिटने को तैयार हुआ, कोई मोह नहीं था प्राण का वो पितृ भक्त आज्ञाकारी। खुद राम ने भी गुणगान किया आदर पूर्वक, उसका शव लंका को प्रभु ने दान किया। जब तीनों लोगों ने इस राक्षस को हाथ जोड़ सम्मान दिया, हाथ जोड़ सम्मान दिया। इंद्रजीत पे विश्वास करे, मैं युद्ध का चक्र ही बदल दूंगा, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दे पिताश्री। जो पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा। महासमर घनघोर बात गर्जा जब मेघनाथ, मायावी इंद्रजाल रावण का बेटा है भोकाल।